1848 में उनकी जब वो एट लास्ट ट्वेंटी सिक्स ईयर्स के थे तो स्ट्रेसबर्ग एकेडमी के रेक्टर की बेटी के साथ उनकी मुलाकात होती है और दो साल बाद उन दोनों की शादी हो जाती है एंड इन इट सीम्स दैट प्रोफेसर सो इट इन हिज वर्क ऑन द वेडिंग डे दैट ही इंटायरली फॉर द सरमनी उस दिन वो अपनी शादी के बारे में बिल्कुल ही भूल गए अपने काम में इस कदर बिजी थे कि उन्हें अपनी याद ही नहीं रहा कि आज उनकी शादी है एंड हैड टू बी फेस्ट बाय अ फ्रेंड और एक दोस्त जाके उनको वहाँ से लेके आया कि आज आपकी शादी की सरवनी है बहरहाल शादी उनकी एक कामयाब शादी रही थी और उनकी वाइफ ने उनके हस्बैंड के अपने हस्बैंड के काम में कभी कोई रुकावट नहीं डाली बल्कि वो उसमें एक मावन ही रही मददगार ही उनकी साबित हुई इसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए पास्चर जाने जाते हैं तो जिसमें हमने सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में भी मैंने आपके साथ इसका जिक्र किया था जब आपने उसको स्टार्ट किया कि पास्टर ने जर्म्स डिस्कवर किए और लॉर्ड लिस्टर ने उनको किल किया और ये जब जिक्र हो रहा था मैंने आपसे इसको डिस्कस किया था कि इन एटीन सिक्सटी द फ्रेंच अकेडमी ऑफर्ड अ फॉर द सोलूशन ऑफ़ द प्रॉब्लम वेदर स्पॉन्टेनियस जनरेशन इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का वॉज और वाज नॉट अफेक्ट स्पॉन्टेनियस जनरेशन के जानदार खुद ब खुद वजूद में आना ये हकीकत है या नहीं इससे पहले दो थीरीज थी कुछ साइंटिस्ट का ख्याल था कि कीड़े मकौड़े और कुछ जानदार खुद ब खुद, खुद पैदा हो जाते हैं जैसे कि गोबर में मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं खुद ब खुद उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं तो और कुछ का ख़्याल था कि ऐसा नहीं होता इसके पीछे कोई वजह है तो फ्रेंच एकेडमी ने एक इसके लिए इनाम जो है वो रखा और मुकाबला का इनका करवाया एंड पास्टर भी इसमें शामिल हुआ एंड द मैटर वॉज सेटल्ड वंस फॉर ऑल इन नेगेटिव और उसने कहा नहीं स्पॉन्टेनियस जनरेशन की कोई हकीकत नहीं है जानदार खुद ब खुद पैदा नहीं होते बल्कि इसके पीछे एक वजह है वजह क्या है उन्होंने कहा कि दैट इफ़ अ सब्सटेंस स्टैंड सफिशेंटली हीटेड टू डिस्ट्रॉय ऑल लाइफ कि अगर आप किसी भी मादे को किसी भी चीज़ को इतना गर्म करते हैं कि तो उसके अंदर ज़िंदगी ख़त्म हो जाए जिंदगी से मतलब वो जर्म्स हैं जिसकी डेफिनेशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं जिसको हम निकट आई के साथ नहीं देख सकते हैं जिसको हम आँख के साथ नहीं देख सकते हैं उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत पड़ती है तो जानदार खुद ब खुद पैदा नहीं होते और अगर इसमें सम टाइम ऐसा होता है और उसको अच्छी तरह फिल्टर कर दिया था एंड इफ द एयर इन द कॉन्टेक्ट विद इट बी फिल्टर सो दैट इट इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स और उस मादे को इतना गर्म करने के बाद उससे जो उसमें से हवा गुजरेगी या कोई भी चीज़ जो उससे टकराए तो उसके अंदर उसको भी फिल्टर किया हुआ हो उसमें भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज़म्स ना हो तो फिर वो जो सब्सटेंस है वो चेंज नहीं होगा यानी बैक्टीरिया डू नॉट डेवलप इन इट तब उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं पैदा होंगे एज़ यूजल द अपोजिट रिज़ल्ट और उनके मुखालफन ने कहा नहीं ऐसा नहीं होता गर्म करने के बावजूद जो है ऐसा हमें इसके मुखालिफ़ रिज़ल्ट मिले हैं तो पास्टर ने आस्क फॉर आर्बिट्रेशन उन्होंने कहा एक साल सी मुकर कर लें तो हम अपने अपने जो तजुर्बात हैं वो तो उनके सामने दोहराएंगे तो और जो फिर सक्सेसफुल हुआ वो जीत गया ऑन विद विद्रिटस वो अपना सारा साजो सामान उठाए हुए आ गए उसके ओपोनेंट्स हावर हेड नान उनमें से कोई भी ना आया दैट वेदर वॉज अनफेवरेबल एंड दे वुड लाइक टू वेट उन्होंने कहा मौसम कुछ ज़्यादा फेवरेबल नहीं है और इंतज़ार करना चाहेंगे द कमीशन वेरी रिजनेबली रिफ्यूज और जो आर्बिट्रेशन के लिए कमीशन मुकर किया गया था उन्होंने इनकार कर दिया पास्टर डिट हिज एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली एंड वन द प्राइज उसने अपने तजर्बात किए और उस इनाम को जीत लिया इन कोर्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स पास्टर फाउंड सम जर्म्स आर वेरी डिफ़िकल्टू डिस्ट्रॉय बाई हीट इन्हीं तजुर्बा के दरम्या उन्हें ये बात भी पता चली कि कुछ जर्म्स ऐसे हैं जिनको हीट के जरिए मारना काफ़ी मुश्किल है फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क डिवेल्प बैक्टीरिया इवन आफ्टर सेवरल मिनट्स बॉयलिंग दूध को आप जितना भी गर्म कर लें इसके बावजूद उसमें जर्म्स नहीं मरते हैं बट आफ्टर राइजिंग द टेम्परेचर टेन डिग्री सेंटीग्रेड अब बॉयलिंग पॉइंट ही फाउंड दैट नो बैक्टीरिया वर वेफ्ट अफ जैसा कि आजकल टेट्रापैक्स में दूध पैक करने से पहले उसको एक हद तक गर्म किया जाता है तो उसके अंदर वो ऑल्टर नहीं होता है चेंज नहीं होता है ख़राब नहीं होता है लेकिन अगर हमने अपने घर के चूलों पे उसको बॉईल करें और फिर वो इसके बावजूद उसमें से तमाम जर्म्स ख़त्म नहीं होते तो उनका ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन पे काम था इसकी बड़ी अहमियत थी क्योंकि इट टिमुलेट अदर साइंटिस्ट टू स्टडी द हैबिट ऑफ जर्म्स जर्म्स को जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया था कि ये लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं ऐसी चीज़ मौजूद है जो कि चीज़ों की हईत को बदलती है तो अब ऐसे इन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को इन जर्म्स को इन माइक्रोब्स को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने इस पर अब काम शुरू हो गया ये एक ब्रांच बाकायदा तौर पर बन गई थी और बहुत ही इसमें मुख्तलिफ डिस्कवरीज़ भी हुई इसके बाद हम आते हैं टू ब्रिंग अस दिस ब्रिंग अस ऑन टू द एटीन सेवेंटी फ्रांस एंड जर्मन वर प्लच इन टू वॉर अठारह सौ सत्तर में उनकी ज़िंदगी को ग्रेजुअली उन्होंने लिया है कि किस तरह से साल ब साल आगे चल रहे हैं और कहीं कहीं बीच में पास्ट की तरफ भी इस चले चलते हैं 1870 में जब फ्रांस और जर्मनी दोनों की जंग हो गई और पास्चर एवर इंटेंसली अ लवर ऑफ़ फ़्रांस ये बात हमने आपको शुरू में बता दी कि वो साइंटिस्ट इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा अपने वतन का अपने मुल्क का आशिक था उसका मुहब था उसको अपने वतन से पेताहाशा मोहब्बत थी तो जब 1870 में जर्मनी और फ्रांस के दरम्या जंग के ख़तरा पैदा हुए पता चला कि दोनों जंग में कूद पड़े हैं तो उस वक्त पास्टर को बहुत अफसोस हुआ फ्रांस फिल्ड विद सोरो एंड एनजाइटी एंड विद लोथिंग ऑफ जर्मनी और जर्मनी से शिद्दत की नफरत पैदा हुई उसको मुतनफर हो गया उसने ही रोट अ लेटर टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न विच अ डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री उन्हें जिस यूनिवर्सिटी uh, से दी गई थी उन्होंने उनको ख़त लिखा और उन्होंने बड़े ही एल्यूमिनेटिंग uh, रिमार्क्स के साथ उसने uh, ये उनको कहा उन्होंने अपना डिप्लोमा उनको वापस कर दिया जो उनको डिग्री दी गई टुडे द साइट ऑफ दिस पार्चमेंट इज़ पांच टू मी एंड आई फील अफ एट सींग माई नेम प्लेस्ड अंडर द पैटनज ऑफ द नेम नेम्स फॉरवर्ड टू एक्सकर्शन बाय माई कंट्री दैट ऑफ रेक्स ले ले स ने कहा कि आज इस डिप्लोमो डिप्लोमे को इस डिग्री को देखना भी मुझे काबिल नफ़रत लगता है मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे नाम के साथ किसी ऐसे नाम के सरप्रस्ती का नाम हो जिसकी तरफ से अब हमारे वतन ने हमारे मुल्क ने हमेशा ही उनको बुरे लफ्सों में याद करना है उसको मलामत ही करनी है यानी जिन जो हमारे दुश्मन हैं हमारा हमारी जिनसे जंग है मैं उनकी सरप्रस्ती में कोई मुझे डिप्लोमा लिया है, तो मुझे वो भी देखना नहीं पसंद तो ये आप अपना डिप्लोमा अपने पास रखें तो ये उसकी अपने वतन से मोहब्बत थी इसके बाद उन्होंने अपने आप को एक सिपाही के तौर पर पे पेश किया ये भी हम इससे पहले भी इसका जिक्र हो चुका है ही वॉज़ रिफ्यूज़ ऑन द स्कोर ऑफ़ फ़िज़िकल इनकेपसटी और यहाँ पे उनके जिसमानी कुछ प्रॉब्लम इफ़ेक्ट्स की वजह से उनको इनकार कर दिया गया था और ये बात हम अभी अभी पहले भी पढ़ हैं के हैं कि उनको बेरलिस का अटैक हुआ था जिसकी वजह से उनके जिसमानी असरात ख़त्म नहीं हुए थे तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि पैरालाइज्ड शख्स फ़ौज में नहीं चल सकता दिस अनकंफर्टेबल मैन टर्न टू दोट ऑफ दाइंस एंड टुक अप दी ऑफ़ प्योरिंग लेकिन ये शख्स जिसको अपने वतन से इतनी मोहब्बत थी उसने कहा कि अगर ऐसे तलवार नहीं तो इलम की तलवार उन्होंने उठाई साइंस की तलवार उठाई और उन्होंने जो है ब्योरेज का के पे काम करना शुरू कर दिया जहाँ पे उन्होंने इसका इसको स्टडी किया और इन ऑर्डर टू डिस्कवर अ मेथड वियर फ्रांस माइट प्रोड्यूस बियर एस व्यूअर एज इन जर्मनी उन्होंने कहा कि जैसे जितनी अच्छी जर्मनी से शराब हम मंगवाते हैं उतनी अच्छी हम अपने मुल्क में पैदा कर लेंगे ताकि हमें उनसे कुछ भी लेने की ज़रूरत पेश ना आए और उन्होंने इन अपनी जो डिस्कवरीज़ थी उसको शेयर भी किया इंग्लैंड के साथ और इस रिमार्क्स के साथ वी मस्ट मेक सम फ्रेंड्स फॉर आवर बी लव्ड फ्रेंड्स हमें अपने प्यारे फ्रांस के लिए कुछ दोस्त बनाने चाहिए और इस तरह से उन्होंने अपनी जो बुक थी जो अपनी डिस्कवरीज थी फर्मेंटेशंस पे और ब्यूरेज़स पे उसको उनके साथ शेयर किया और हक्सले ने एक दफ़ा कहा था कि पास्टर्स वर्क ऑन फर्मेंटेशन अलोन सेव्ड फ्रांस मोर देन इनफ टू तो पे द इंडेमिटी ऑफ द फ्रेंको जर्मन वार हकली ने एक बार कहा था कि सिर्फ़ उनका जो इस पे काम है फर्मेंटेशन पे जो काम है उसने ही उससे ही उनको इतनी बचत हुई थी कि जितना जंग में उनका नुकसान हुआ था उसको पूरा उसका तावान अदा करने के लिए काफ़ी था ये ही एक उनका काम और इसके अलावा बाकी जो काम हैं उनके वो अलावा अजी हैं हाअर पासर्स वर्क ऑन फर्मेंटेशन डिड नॉट स्टॉप शॉर्ट हेयर सिर्फ़ उन्होंने बेवरेज़ पर ही काम नहीं किया इट हैड फॉर मोर इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑन मेडिसन सिर्फ कशी शराब कशीद करने के लिए नहीं बल्कि इसका उससे भी ज़्यादा अफेक्ट जो था या इसका जो इस्तेमाल किया गया वो मेडिसन में और सर्जरी में और पब्लिक हेल्थ में किया गया किस तरह से फॉर इट वॉज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लॉर्ड लिस्टर्स वर्क ऑन इनफ्लेमेशन ऑफ फून क्योंकि जैसे कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को करवाते हुए भी मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड लेस्टर ने कहा कि शायद फर्मेंटेशन ही इन्फ्लेमेशन के का बास है कि इसी वजह से ज़ख्म ख़राब होते हैं तो लॉर्ड लेस्टर ने ज़ख्मों की सूजन को जो है उन्होंने कहा कहीं ये इसी वजह से तो नहीं है इसके बाद उन्होंने इस पर काम किया विच इन दोज डेज कॉस्ड एंडलेस ट्रबल फॉर आफ्टर ऑपरेशन क्योंकि ऑपरेशन के बाद ज़ख़्मों का ख़राब हो जाना ऑफन मेकिंग एम्पिटिशन नसेसरी और अक्सर जिसम के उस अज़ा को काट देना पड़ता एंड फ्रीकुनटली इवन दिस वाज नाट एनफू सेव पेशेंट्स लाइफ और ऑपरेशन के बाद अगर उस जिसम के हिस्से को काट भी दिया जाता फिर भी कभी कभी जो मरीज था उसको मौत से नहीं बचाया जा सकता था और ऑलमोस्ट थर्टी थ्री परसेंट जो है मेजर ऑपरेशन से डेथ हो जाती थी इसलिए हमेशा डॉक्टर अवॉइड करते ऑपरेट करने को कि ऑपरेशन के, के बाद के मसाइल जो हैं वो उस बीमारी से ज़्यादा बड़े होते तो ये प्री लिस्टीरियन डेज़ में लिस्टर के फर्मेंटेशन पे काम करने के लिए और वोन्स की इन्फ्लेमेशन पे काम करने से पहले तकरीबन तैंतीस फ़ीसद अमवाद वाक़ हो जाती थी और अब जो कि वो कम हो के ऑलमोस्ट वन परसेंट रह गई थी नाउ पासचर्स डिस्कवरी दैट फर्मेंटेशन वाज ड्यू टू बैक्टीरिया उन्होंने कहा कि ये जो खमीर उठाया जाता है या चीज़ों का फूलना और इसकी हयियत चेंज होना यह बैक्टीरिया की वजह से होता है सेट लस्टर वॉन्डरिंग वैदर इन्फ्लेमेशन वाज नाट ऑल्सो टाइप फर्मेंटेशन उसने कहा कहीं ये भी फर्मेंटेशन की ही तो एक किस्म नहीं है जिसके जिसमें जर, जर्म्स जो हैं ज़ख्मों में दाखिल हो जाते हैं और इस तरह से ज़ख्मों को ख़राब करते हैं इसके तौर पे काम करने के बाद एक शानदार नतीजा ये निकला कि बहुत सारी रिसर्च हुई और उसके बाद ये बात साबित हो गई कि ऐसा ही था द एंटीसेप्टिक सेप्टिक मैथड इन सर्जरी हैड लेड ऑन टू द एसेप्टिक मैथड ऑफ टुडे एंटीसेप्टिक मैथड के बाद असेप्टिक मैथड यानी हीट इस्तेमाल होने लगी वेयर द आइडिया इज़ टू कीप द पेशेंट स्किन फ्री फ्रॉम जर्म्स मतलब यही था जिसको हम पहले भी कर चुके हैं पेशेंट की स्किन को जर्म से साफ़ रखा जा सके ताकि वो ज़खम ख़राब ना हो और कॉबोलिक एसिड और बाकी जो एंटी सेप्टिक हैं उनको इस्तेमाल ना करना पड़े क्योंकि इस तरह से वो उसको ख़राब कर देते थे ज़ख्मों को ख़राब कर देते थे यहाँ से वापस चलते हैं पास्चर की उस अचीवमेंट की तरफ जिस पे वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं नॉन तो द मैन ऑफ स्ट्रीट आम जिसको शख़्स जानना शुरू हो गया था वो ये था कि उन्होंने काम किया था सिल्क वॉम इंडस्ट्री पे सिल्क वॉम इंडस्ट्री पे उनका काम सबसे इम्पोर्टेंट था ये एक बीमारी थी हम इस पर अभी बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा उनका जब उनको हर शख़्स जानने लग गया वो था उनका इस पर काम जिसमें उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी विच ही वॉज ऑलमोस्ट फोर्स टू फ्रेंच गवर्नमेंट और जिसके लिए उनको गवर्नमेंट ने फोर्स किया था कि आप इस पर काम करेंगे ये एक एपिडेमिक थी सिल्क वाम की सिल्क वाम इंडस्ट्री जो है या रेशम के कीड़े पालना उनका एक बाकायदा तौर पे काम था और ये साउथ ऑफ फ्रांस में सबसे ज़्यादा काम हो रहा था कि वहाँ पे तमाम किसान जो हैं अपने घरों में सिल्क के कीड़े पालते थे और इस तरह से उनसे रेशम हासिल किया जाता था और यहाँ तक कि जैसे कि घरों में ख़वातीन और जानवर रखती हैं पालती हैं ऐसे ही सिल्क के कीड़ों को घर में रियरिंग की जाती रूम का टेम्परेचर चेक किया जाता आधी रात को उठ के उनको और जो है ख़ुराक मुहैया की जाती जो कि शैतूत के पत्ते होते हैं मेलब्री लीव्स जो हैं वो उनको दिए जाते और इस तरह से ये उनकी एक होम इंडस्ट्री थी अनटिल एटीन फोर्टी नाइन द इंडस्ट्री हैड 1849 तक तो ये इंडस्ट्री बड़ा काम कर रही थी और इसमें उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था लेकिन 1849 में जो रेशम के कीड़े थे उन पर बीमारी का हमला हो गया पहले पहले तो ये ख्याल किया गया कि अंडों में कोई ख़राबी है और दूसरे ममालिक से दोबारा से अंडे मंगवाए गए लेकिन इसके बावजूद दोबारा जो अंडे मंगवाए गए उनमें भी दोबारा से बीमारी पैदा हो गई और दोबारा से फिर अंडे मंगवाए गए यहाँ तक कि फिर करीबी ममालिक में भी वो बीमारी फैल गई और रेशम का सिर्फ जापान एक ऐसा कंट्री बचा जिसमें रेशम के कीड़े बीमारी से फ्री थे और अब गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि आप प्लीज़ इस पर काम करें इस पर जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन कर कर दें हमें कि क्या मसला है उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी चीज़ को मैं एक नेचुरलिस्ट नहीं हूँ मैंने कभी किसी सिल्क वॉम को टच नहीं किया है लेकिन उनकी इस बात को भी गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया और कहा कि आप सिर्फ़ इस पे काम करके अपनी ऑब्जर्वेशन बता दें ये बात और उसके साथ उनका किसानों के लिए जो संपत्ति थी इन दोनों चीज़ों ने उसको मजबूर किया कि बहरहाल वो उस डिस्ट्रिक्ट में जाए जहाँ पे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और इस तरह से उन पर काम करने के बारे में उन्होंने अपनी जो है कंसेंट दे दी अपनी रज़ामंदी दे दी अब उस इलाके में जाके इस पर काम करना पहले पहल तो काफ़ी मुश्किल था उनके लिए उन्होंने नाउ अर्लियर ऑब्जर्वर हैड नोटिस माइक्रोस्कोपिक ड्रेन इससे पहले वाले जो लोग थे उनका ये ख्याल था कि इसके अंदर कुछ ज़रात हैं जिनकी वजह से अंडे ख़राब होते हैं और कीड़ों में बीमारी आती है लेकिन अभी इसका कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका था यहाँ तक कि पास्टर ने कहा कि जितने भी कीड़े हैं जो अंडे देते हैं उनको सेपरेटली अलग अलग इकट्ठा किया जाए और जो जिन कीड़ों में बीमारी नहीं है उनके एक्स को अलग रखा जाए और दूसरे जो अंडे हैं उनको अलग रखा जाए ये वाद रास्ता था जिस किस तरह से वो की जा सकती थी और इसका इनके कीड़ों को अलग और उनके कीड़ों से अंडों को अलग करना कोई आसान काम नहीं था इसके लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी था और पता था कि ये किसान इसको इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे बहरहाल पास्टर ने उन्हें बताया कि इसको कोई भी बच्चा भी कर सकता है लिहाजा उन्होंने इस तरह से इस पर काम किया इसके साथ उन्होंने उन्होंने कहा कि आपको कुछ चीज़ों को अवॉइड करना होगा वो ये हैल्दी कंडीशंस कि आप सफ़ाई सुथराई का ख्याल रखें ज़्यादा जो कीड़े हैं उनको ओवर क्राउडिंग से रोके अन को रोका जाए और इसमें बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग से और अनहेल्दी कंडीशन जो हैं उनको अवॉइड किया जाए तो ही बीमारी से बचा जा सकता है क्योंकि ये चीज़ें इनको कमज़ोर करती हैं ये इलाज अगरचे फ़ौर तो इख्तियार नहीं किया जा सका था लेकिन बहुत सक्सेसफुल रहा इस बीमारी को कम करने में और इससे अंदाज़ा लगाया गया कि पास्चर के आने से पहले फ़्रांस को तकरीबन रेशम के कीड़े की बीमारियों की वजह से चालीस मिलियन फ्रैंक्स का नुकसान हो चुका था और इसी काम से इसने और भी बहुत ज़्यादा अहम नतीजे निकाले यानी यहाँ से उसका काम चलता है बीमारियों की तरफ़ जानदारों की बीमारियों की तरफ और फिर उसके बाद दूसरे जानवरों की बीमारियों का इलाज रेशम के कीड़ों से स्टार्ट होके जानवरों के एंथ्रेक्स के, के बारे में और यहाँ तक के ह्यूमन जो है इंसान जो है उसकी जो बीमारियाँ हैं उन तक उसने डिफ़रेंट जो हैं बीमारियों का इलाज और जर्म्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं उसके बारे में उसने इन्वेस्टिगेट किया तो इससे आगे हम कल चलेंगे इन आज के लिए इतना ही दिल दिन अल्ला